दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आपके लिए फिर से एक जी शार्प का वेबसाइट लेके आया हूँ। इसमें हम सिर्फ कुछ एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे और इसमें हम कुछ कूल एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। वेबसाइट्स आपके सामने हैं और इसको हम थोड़ा सा ग्रो थ्रू कर लेते हैं, सिंपल से HTML और JavaScript को यूज़ करके। और साथ ही साथ हम एनिमेशन की जो लाइब्रेरी है वो जी शार्प यूज़ करने वाले हैं और हम ये बनाने वाले हैं ये खूबसूरत सी वेबसाइट। मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने साथ दिया है तो हम इसको पूरा रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, अगर आपने नेक्स्ट कमेंट किया तो। ठीक है, तो चलिए एक बार हम अपनी वेबसाइट देख लेते हैं, वेबसाइट में हम क्या बनाने वाले हैं। तो देख रहे हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक वेबसाइट ली हुई है जिसमें यहाँ पर हेडर है। हेडर में हमारे पास यहाँ पर जो है लोगो है और बीच में सेंटर में हमारे पास मेन्यू है और लास्ट में हमारे पास बटन है। यहाँ पे कुछ एक हेडिंग दी हुई है, साथ में कुछ पैराग्राफ्स है और एक बटन है और यहाँ पर एक इमेज ली हुई है जो कि बैकग्राउंड इमेज है। राइट, ये चलते देखो, यहाँ पर एक एनिमेशन हो रहा है। कितना कूल एनिमेशन है जो कि स्क्रॉल पे आ रही हैं चीज़ें और स्क्रॉल पे जा रही हैं चीज़ें। राइट, और बीच में यहाँ पे सेंटर में टेक्स्ट है। हम सिर्फ यहीं तक बनाने वाले हैं इस वीडियो में। आगे मैं आपको पूरी वीडियो बना के जो पूरा वेबसाइट है वो हम पूरा डिज़ाइन करने वाले हैं। ट्यूटोरियल्स रहेगा, तीन लेक्चर में हम इसको पूरा वीडियो बना लेंगे। हम लोग जो पूरा वेबसाइट है, लैंडिंग पेज हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो हम ये एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। साथ ही साथ देखो, वेबसाइट बहुत ही कूल है, बहुत ही प्यारी है। और यहाँ पे देखोगे ये चीज़ देखो कितनी प्यारी हो रही है स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, ये सब जी शार्प से क्रिएट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली बनाएंगे इस वेबसाइट को। बस वीडियो में आप बने रहें। और मुझे बहुत कमेंट्स आए कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कभी कभी टाइम लग जाता है, कुछ चीज़ें और चल रही हैं दिमाग में, तो इसलिए। ये सारी चीज़ें देखो, कितना प्यारा एनिमेशन है, इसको भी हम क्रिएट करेंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत ईजी है। सारी चीज़ें इजी ही मिलेंगी आपको टेक्निकल मिकी के चैनल में और मज़ा आने वाला है, बहुत ही परफेक्ट वेबसाइट है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने वेबसाइट ऑलरेडी बना ली है, बस हमने कुछ चीज़ें हैं और एड ऑन कर ली है। देखिए हम क्या बनाने वाले हैं। हम ये एनिमेशन बनाने वाले हैं जबकि हमारे पास ये एनिमेशन हमारी वेबसाइट में नहीं है, पर हमने ये एडिशनल दिया हुआ है और हमने देखो यहाँ पर ये एनिमेशन क्रिएट कर लिया। राइट, चलिए तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो सारा कोड है मैं पहले हटा देता हूँ। बस मैं यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट्स हैं वो ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का सारा कोड हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और हम चलते हैं हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम शुरू शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा जो एचटीएमएल फाइल है, देखो हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं और हमारे पास कुछ इमेजेस हैं यहाँ पर, और हमने यहाँ पर फाइल क्रिएट कर रखी है। तो हमने यहाँ पर बॉयलरप्लेट कोड हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। ठीक है, तो हमारी साइट का नाम आई थिंक शायद हम ये ले लेते हैं। ओके, तो हम टाइटल सेम दे देते हैं, टाइटल लैंडिंग पेज। ओके, जल्दी से हम क्या करते हैं, हम CSS फाइल को हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं हमारे मेन पार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हेडर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम हेडर टैग लेंगे। ठीक है, हेडर टैग के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक इमेज रहेगी। ठीक है, इमेज हमारे पास है जो वो रहेगी लोगो। ठीक है, और जैसे एक यूएल ले लेते हैं, उसके अंदर ए टैग ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास चार हैं, तो हम यहाँ पर चार टैग जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं जो हमारी मेनूज रहेंगे इसलिए। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा हाउ इट वर्क। ठीक है, एंड सेकेंड है हमारा आई थिंक प्राइसिंग, थर्ड है हमारा ब्लॉग एंड कॉन्टेक्ट एस। ठीक है, सही है। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एक दो बटन है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम एक डिप क्रिएट करते हैं BTN ग्रुप करके। ठीक है, इसी के अंदर हम इसको रैप कर देंगे। तो हमारा बटन, दो बटन हो जाएंगे, एक है लॉग इन एंड आई थिंक शायद कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और सेकेंड आई थिंक हमारा है जो वो है गेट फंडिंग, फंड। परफेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं। क्लास क्या रहेगी इसकी, लॉग इन BTN। ठीक है, और इसका हम ले लेते हैं आई थिंक फंडिंग BTN, फंडिंग BTN। परफेक्ट, चलिए तो हम इसका क्या करते हैं, CSS लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसका जो कोड है हम इसको लाइव ओपन विथ लाइव सेव करते हैं। देखो हमारे पास सारी चीज़ आ चुकी हैं। ओके, ठीक है,
तो अब हम चलते हैं हमारे सीएस कोड पे। तो हम यहाँ पर हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है, हम पहले तो वो लिख लेते हैं, ठीक है। ये सभी को पता होगा, आई होप। आप अगर टेक्निकल एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं तो बॉयलर प्लेट कोड लिखना तो आ ही गया होगा आपको। तो हम ये चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे हेडर टैग पे कुछ कोड लिखते हैं। तो हमने हेडर किया, हेडर को हम लोग, ठीक है। सो हमारा जो हेडर का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर आई थिंक लेट्स से 12 3 1 5, आई थिंक ये होना चाहिए। परफेक्ट, सही है, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो 100%, विड्थ 100%, हाइट 100 पिक्सल, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। इससे क्या होगा, स्पेस बिटवीन करेंगे तो ये सारी चीज़ें इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। या अब हमको क्या करना है, सिर्फ हमको यहाँ पर एक पैडिंग ले लेते हैं। पैडिंग हम बोल रहे हैं टॉप से 0 एंड लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल, परफेक्ट। तो देखो यहाँ पर गैप भी मिल चुका है हमें, परफेक्ट तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टिकी बनाते हैं। तो हम पोजीशन को क्या करते हैं, पोजीशन लेस से हम फिक्स कर लेते हैं कि भैया टॉप पे फिक्स रहेगा, टॉप से 0 और बॉटम से 100%। चलिए अब क्या होगा, इससे इससे ये हमेशा स्टिकी रहेगा, कुछ भी हो जाए वो वहीं पे, जब भी हम स्क्रॉल करेंगे तो वो हमारे साथ चलेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी, परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हेडर के अंदर डायरेक्ट अंदर एक इमेज है हमारे पास, जो कि हमारा लोगो है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको बिट दे देते हैं। तो बिट लेट से 100 पिक्सल, ठीक है। वो कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, जिससे देखो हमारा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सही है, ठीक है। ये तो हो गया। अब हेडर के अंदर जो यूएल है, उससे सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, ठीक है, सही है। डिस्प्ले फ्लेक्स के जस्ट बाद हम एक चीज़ लिखते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप को हम यहाँ पे नन कर देंगे, जिससे उसके पास जो डॉट दिख रहे होंगे वो हट जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, अलाइन आइटम सेंटर, और एक गैप क्रिएट कर लेते हैं 50 पिक्सल का, ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। एक 50 पिक्सल गैप क्रिएट करके हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर लेते हैं साथ ही साथ। तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हेडर के अंदर एक यूएल है, एलआई है, और एंकर टैग है हमारे पास। तो सबसे पहले एंकर टैग का टेक्स्ट डेकोरेशन को हम नन कर देंगे, ठीक है। और कलर ले लेते हैं हम यहाँ पर लेट्स से F3E एंड DE4, आई थिंक शायद, परफेक्ट, नाइस, सही है। और एक फ़ॉन्ट फैमिली है हमारे पास यहाँ पर, तो फ़ॉन्ट फैमिली हम ये वाली ले लेते हैं, जिससे हम इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, परफेक्टली वर्क कर रहा है, देखो। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, जो हमारा हेडर है ना, हम बॉडी पे डायरेक्ट ले लेते हैं, जिससे हमको इसको यूज़ करते रहेंगे तो यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं इसलिए, ठीक है, सही है। तो हमारा जो एंकर टैग है वो हमारा परफेक्टली हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं, हम एंकर टैग को क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 18 या 16 पिक्सल कर देते हैं, सही है, 16 पिक्सल भी सही है, ठीक है। और जो एंकर है उसको कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, सही है। तो देखो अब क्या हुआ, इन पे पॉइंटर आना स्टार्ट हो चुका है, परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, एक BTN है, क्या है, हेडर के अंदर डॉट BTN ग्रुप है जो हमारा, ठीक है। सो BTN ग्रुप में हम डिस्प्ले फ्लेक्स करने वाले हैं, ऑनलाइन आइटम को सेंटर करेंगे, और साथ ही साथ जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देंगे, ठीक है। और इनके बीच में गैप क्रिएट करेंगे 30 पिक्सल का। सो ये भी चीज़ें सही हो गई हैं, ठीक है, ठीक है। सो हम लिखते हैं लॉग इन BTN जो है हमारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है बॉर्डर कलर लेंगे, बॉर्डर कलर, सो बॉर्डर कलर हम लेंगे और GBA, ठीक है, जिसमें फर्स्ट रेड होता है, सेकंड ग्रीन एंड थर्ड ब्लू, और लास्ट में अल्फा वैल्यू देते हैं जो कि 0 1 उसके अंदर ही होती है, ठीक है, ओके। सो बैकग्राउंड कलर जो हमारा है, रेड हमारा है 2 4 3 एंड ग्रीन है हमारा 2 4 0, एंड जो ब्लू है उसको लेट से 2 3 6, और अल्फा है 0.3, ओके।
सो इस पे हमको एक वाटर कलर मिल चुका है, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर आई थिंक लेट्स से हम ये वाला कलर ले लेते हैं जो हमारा पहले वाला कलर था, ठीक है। लॉग इन पीटीएन, सही है। ओके तो हमारा कलर चलने लगा है, ठीक है। ठीक है तो हमने कलर ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, कलर हमको देना है यहाँ पर जो है व्हाइट कलर। सो हमारे पास एक ऑलरेडी कलर था व्हाइट वाला, तो हम वो ले लेते हैं, हमारे पास आ चुका है, ठीक है। साथ ही साथ हमको क्या करना है, हमें यहाँ पे एक लेटर स्पेसिंग देनी है जो कि आई थिंक 0 है, ठीक है। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे लेते हैं हम लोग अपर केस पे, ठीक है। वैसे हमने उसको, ठीक है, अपर केस ले लिया हमने। देन हमने यहाँ पर एक बॉर्डर रेडियस की वैल्यू देते हैं जो कि 10 पिक्सल रहेगी, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल, दैट्स इट। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ॉन्ट वेट ले लेते हैं, आई थिंक 500 इनफ है। और एक पैडिंग ले लेते हैं साथ में, तो पैडिंग हमारी रहेगी टॉप और बॉटम से 12 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल, चेक, सही है। और फॉन्ट फैमिली हमने ऑलरेडी ले रखी थी, तो हम यहाँ पर इसको रेगुलर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये वाला हमारा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है, सही चल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, हम यहाँ पर लेंगे हमारा ये वाला जो हमारी सेकेंड बटन थी, फंडिंग बटन, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ चलते हैं। ओके तो अगर हम देखें डिज़ाइन पे हमारे, तो यहाँ पे ग्रीन बटन है राइट, और जो टेक्स्ट इसका ब्लैक है ना। तो हम इसके लिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर आई थिंक हमारा जो है जैसे #55 एंड DD4A, आई थिंक ये ग्रीन है एक्चुअली। परफेक्ट, आ चुका है, नाइस। सो हमारा ग्रीन बैकग्राउंड कलर आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। साथ ही साथ हमको जो कलर लेना है, कलर हमारा यही जो फर्स्ट कलर था हमारा वो ही लेना था, ठीक है। एंड लेटर स्पेसिंग हमारी इसकी 0 ही रहेगी, हमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम करनी है। तो हम यहाँ से जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो अपर केस रखना है हमको, ठीक है। बॉर्डर रेडियस जो है इसका 10 पिक्सल लेना है, 20 पिक्सल हो गया, 10 पिक्सल, ठीक है, सही है। और साथ ही साथ इस पे हमको जो करना है पैडिंग, तो पैडिंग हमारी टॉप बॉटम से 10 एंड 16, तो हमारा ये हो चुका है। फोन साइज 16 पिक्सल और फॉन्ट वेट 500 एंड फॉन्ट फॉन्ट फैमिली हमारी ये वाली, परफेक्ट। और आई थिंक मेरे हिसाब से जो इसका बॉर्डर कलर है हम यहाँ से उठा देते हैं फिलहाल तो, एंड इसमें हम कुछ चीज़ें चेंज करेंगे सिर्फ। सो आई थिंक यहाँ पर जो मुझे लेना है जैसे 141, यहाँ पर 141 और यहाँ पर भी हम 141 लेंगे, और अल्फा हमारा सही रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये सही हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये हेडर बन चुका है, ठीक है। ओके अब यहाँ से हम हमारा मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे जो हमारा आएगा ना। तो हम एक कमेंट डाल देते हैं यहाँ पर मेन बस, ठीक है। और इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज, और अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, मेन के अंदर मेन डिप ले रहे हैं, ठीक है। ओके सही है। सो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमारा जो मेन डिप है उस पे हम लोग को अब क्या पेजेस क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक आईडी लेंगे पेज नाम से, ठीक है। पेज के अंदर हम यहाँ पे 2 H1 लेंगे, यहाँ पर हम हैश लगाएंगे, 2 लिखेंगे तो ये 2 क्रिएट कर देगा हमारे लिए, ठीक है। तो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ से फाइनेंसिंग को कॉपी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले पे लिख देंगे ऐसे, और सेकंड वाले पे हमें द फ्यूचर लिखना है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, द फ्यूचर, ठीक है। अब क्या है, मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर हमारे BS कोड पे कुछ लिखेंगे क्लास, ठीक है, एंड हेडिंग, ठीक है, 1, और नीचे वाले को हम 2 कर देंगे सिर्फ, सो नीचे वाले को हमको 2 करना है, परफेक्ट।
ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लेंगे पी टैग, ठीक है। पी टैग में हम ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा, हम इसको ऐसा के एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक है। और आई थिंक ये हमारा क्या है, लॉन्गर, नो लॉन्गर। हम यहाँ पर एक बी आर टैग दे देते हैं। बी आर के बाद हमारे पास यहाँ पर फोकस ऑन में के बाद हमको एक बी आर टैग देना है, बस। तो ये हो गया। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर एक बटन है, तो हम एक बटन ले लेते हैं, तो हम इसको सेंटर करके लेते हैं, सेंटर, और एक बटन ले लेते हैं, ठीक है। बटन लिया हमने, बटन आई थिंक हमको शायद ये वाली बटन ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फंडिंग वाली बटन ही ले लेते हैं एंड हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ओके ठीक है। अब क्या करना है हमको, सिर्फ यहाँ पर एक डिप क्रिएट करना है। डिप का नाम होगा डिप डॉट आई एम जी डिप, ठीक है। ये लिया मैंने और यहाँ पर हम एक डिप यूज करने वाले हैं, दैट्स इट, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो हमारे पास सब कुछ आ चुका है जो हमको चाहिए था। अब हम यहाँ पर मेन करने वाले हैं, ठीक है। तो मेन के लिए हम कुछ चीज़ें लिखने वाले हैं यहाँ पर, तो वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेन में हम क्या करते हैं, बिट हम 100% ले लेंगे, ठीक है। एंड हाइट हम ऐसा करते हैं, मिन हाइट कर देते हैं 100%, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, पोजीशन रिलेटिव कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सही हो गया। ओके अब हमारा जो पेज है, हम पेज के लिए कुछ कोड लिखते हैं। तो पेज हमारा जो है विड्थ 100%, ठीक है। एंड जो इसकी मिनिमम हाइट रहेगी, आई थिंक शायद मिनिमम हाइट हम यहाँ पर 100 BH ले लेते हैं, 100 BH मिनिमम होना चाहिए। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हमें यही लेना है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा काम हो चुका है, देखो। अब हमको क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, हमें सिर्फ एक काम करना है, हम वो कर लेते हैं। हम यहाँ चलते हैं, हम जेड इंडेक्स दे देते हैं 999। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो हेडर है वो ऊपर आ जाएगा, परफेक्टली तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। वो मुझे अभी दिक्कत दिखी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या बोलने वाले, कलर तो हो गया, हम पैडिंग देते हैं। तो पैडिंग हमारी क्या है, पैडिंग लेट्स से टॉप से 150 पिक्सल ले लेंगे, जिससे हमारा ये कंटेंट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सही है, ये चीज़ तो हो गई परफेक्टली। अब हम चलते हैं हमारे मेन पार्ट पे, ठीक है। हमने बोला पेज के अंदर जो हमारा हेडिंग वन है, हेडिंग वन, उसको कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉन्ट साइज डिसाइड कर लेते हैं, तो 9.5 V, आई थिंक VH या VW देते हैं, VW देना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। हाँ ये सही है, ठीक है भाई, ये सही काम कर रहे हैं। टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर, साथ ही साथ हमका जो कलर है, हमको कलर लेना है इसका, हमें वाइट वाला कलर लेना है, तो हमारा हो चुका है वाइट कलर भी। साथ ही साथ इसका जो फॉन्ट फैमिली है, तो हमने यहाँ पर दो, एक बोल्ड फैमिली ली है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। बोल्ड वाली जो है उससे थोड़ा सा डार्कनेस आ जाएगा इस पर, तो हम यहाँ पर इसको डार्क कर रहे हैं, दैट्स इट। ये हमारा कोड आ चुका है, परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी हम क्या करते हैं फिलहाल के लिए, अभी इसकी जो ओपेसिटी है वो ज़ीरो कर देते हैं। ज़ीरो क्यों कर रहे हैं, बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको कमिट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम देखना चाहेंगे, हमें हमारी डिज़ाइन देखना भी तो है कैसी बन रही है, राइट। तो इसको मैं कमिट कर रहा हूँ, इसी कर लूँगा मैं कॉपी, और इसको मैं करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2। तो देखो दोनों हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो कलर है इसमें वो हमारा ग्रीन है, परफेक्ट। चलो इसको भी ओपेसिटी इसकी 0 रखनी है ना। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक पेज है, पेज के अंदर डायरेक्ट अंदर जो पी है, पी टैग, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो सबसे पहले तो उसका जो फॉन्ट साइज है वो 16 पिक्सल कर देते हैं, एंड साथ ही साथ जो इसका टेक्स्ट अलाइन है वो हम सेंटर कर देते हैं, और फॉन्ट फैमिली हम इसकी क्या करते हैं, रेगुलर ले लेते हैं, ठीक है। तो रेगुलर यहाँ से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से सब चीज़ बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे से हम सीखेंगे, जी शेप भी आएगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम एक कलर दे देते हैं, तो कलर लेट से वाइट ही देना है हमको, तो हमने वाइट दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लाइन हाइट इसकी आई थिंक 140% लेते हैं इसको, सही है, सही काम कर गया, ठीक है। और मार्जिन बॉटम से, जैसे मार्जिन बॉटम से हम कितना दे सकते हैं इसको,
30 पिक्सल, जिससे क्या होगा बटन पे गैप मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक फॉन्ट 18 कर लेते हैं, थोड़ा सा सही हो जाएगा, परफेक्ट सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, अब क्या करते हैं, पेज के अंदर डायरेक्ट जो डिव बनाई थी हमने डॉट इमेज डिव, ठीक है, तो इसको कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, जो बिट थे इसकी 100% कर दो, हाइट इसकी आई थी हमने 50 VH ले रहे हैं, तो हमारे पास एक डिव है। ठीक है, इसको हम एक बैकग्राउंड इमेज दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर URL लेंगे मेथड, एंड हम यहाँ पर उसकी 0 BH चेंज कर दें। तो देखोगे हमारे पास यहाँ पर एक इमेज आ चुकी है जो कि हमारे डिज़ाइन से हुबहू मैच कर रही है, परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी देखना चाहो तो कर सकते हो, इसको हटा देते हैं, तो हमारा ये इमेज आ चुका है। ठीक है, अभी इसमें कुछ चीज़ें करनी बाकी हैं, तो और चीज़ें जाएंगी, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट पे कवर कर दो। ठीक है, बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो सेंटर से कर दो, पोजीशन सेंटर से कर दो, साथ ही साथ क्या करो आप, बैकग्राउंड को जो रिपीट होता है वो नो रिपीट रहेगा। ठीक है, एंड बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है, तो हमारी देखो इमेज परफेक्टली दिख रही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, तो हम यहाँ से मार्जिन टॉप से 100% कर देते हैं, सॉरी 100 पिक्सल, तो ये ऑलमोस्ट सेम दिखने लगा है। देखो ये सब चीज़ हमको सेम दिखने लगी है, ठीक है, सही है, सही चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, परफेक्ट काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मुझे कमी लग रही है शायद हेडर में, पर ठीक है, उनको फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जी, तो हम वापस आते हैं हमारे कोड पे। ठीक है, तो हम चलते हैं, हमारा पेज वन तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब पेज वन के बाद हमको यहाँ पर पेज टू बनाना है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें लिखनी है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इमेज लेते हैं, इमेज हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट आई थिंक द चेंज वर्ल्ड। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो इमेज है सेकेंड आई थिंक हमारे पास इमेज जो है वो मेक बिजनेस टू डू आई थिंक ये है। ठीक है, ओके, ऐसे हमारे पास हमको तीन और लेना है इमेज, तो मैं यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी और हम जल्दी से कोड लिख पाएंगे। ठीक है, जो हमारी थर्ड नंबर की है इमेज वो यही वाली है, एंड फोर्थ नंबर की जो हमारी है वो आई थिंक शायद वैसे पुट प्लैनेट कुछ करके है। ठीक है, और जो फिफ्थ नंबर पर है वो है वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर। ठीक है, ये हो चुका है, अब क्या करना है, हम बस इस alt tag को यूज़ करेंगे यहाँ पर और क्लास देंगे। ठीक है, डेमो, बस अब क्या कर रहे हैं, डेमो वन, डेमो टू एंड डेमो थ्री, डेमो फोर और डेमो फाइव ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, सॉरी फोर नहीं, फाइव। ठीक है, हमने यहाँ पर तो ले लिया, लेकिन हमें दो इमेज के जस्ट बाद, हमें थोड़ा सा इसको हटाते हैं, दो इमेज के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एच वन ले रहे हैं, एच वन का जो है हम यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, जो सेकेंड वाला है हमारा। ठीक है, दिस वन फर्स्ट आएगा, देन सेकेंड एच वन जो कि हमारा ये है। ठीक है, एंड थर्ड एच वन जो कि हमारा ये वाला टेक्स्ट है। ठीक है, ओके, अब क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से दो चीज़ कॉपी करने वाले हैं, एक तो ये पी टैग और एक ये। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और जो ये वाला टेक्स्ट है, ये वाला, ये हम ऐसे उठा के यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले टेक्स्ट को हम ऐसे ले लेते हैं कॉपी, और हम यहाँ पर चलते हैं हमारे पी आर टैग पे। नो 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 नो, रिवर्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे चलेंगे ऐसे। ठीक है, सेकेंड वाले में ये है, हम चाहते हैं कि चार सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से बन जाएं, जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, गेट स्टार्टेड विथ फंडिंग इन 5 मिनट्स, तो ये हमारा लास्ट पैराग्राफ होगा, ये कर दिया हमने। सो टेबल इन केस नहीं फाइल, परफेक्ट। तो देखो हमारा जो टेक्स्ट है ऑलमोस्ट आ चुका है, बाकी हमारी जो चीज़ें हैं वो भी आ चुकी हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये वाला डिज़ाइन परफेक्टली बन चुका है, है ना, लेकिन अब हमको इसके लिए CSS लिखनी पड़ेगी, तो हम चलते हैं CSS के लिए, और हम चलते हैं हमारे पेज नंबर टू पे। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, पेज टू। ठीक है, हाँ जी, सो जो पेज टू है उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, विड्थ 100%, ठीक है, जो हाइट है
वो रहेगी 100 PH, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर एक मिनिमम हाइट लेके चले क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं इसलिए, ठीक है। एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास अब वाइट लेना है क्योंकि हमारे डिज़ाइन में कलर ये वाइट है इसलिए, ठीक है, सही है, चलो। और अब इस पे हमको क्या करना है, इसकी जो पैडिंग है टॉप से 10 पिक्सल 100 पिक्सल और पैडिंग बॉटम से 100 पिक्सल, ठीक है, सही है। तो हमारे पास इक्वल गैप आ चुका है टॉप और बॉटम से। और साथ ही साथ क्या करो, इसकी जो पोजीशन है उसको रिलेटिव कर दो, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब पेज 2 के डायरेक्ट अंदर जो H1 है उसको कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं, तो हम बोल रहे हैं जो टेक्स्ट अलाइन है सेंटर कर दो, ठीक है। लेटर स्पेसिंग कर दो कितनी, आई थिंक -1.5 पिक्सल। साथ ही साथ जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, सॉरी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, उसको आप अपर केस कर दो। अपर केस के साथ क्या होगा, ये सारी चीज़ें अगर कुछ चीज़ें नॉर्मल भी होंगी तो वो अपर केस में आ जाएगा, ठीक है, सही है। मार्जिन टॉप से 0 एंड कोई गेप होगा तो रिमूव हो जाएगा। मार्जिन बॉटम से हमें कुछ चीज़ें देनी है, तो मार्जिन जो बॉटम है थिंक 0 करते हैं, ठीक है, सही है, ओके। तो अब इसका जो फोन साइज लेना चाहिए, आई थिंक मुझे वो 7 पॉइंट कुछ होना चाहिए, आई थिंक 7 पॉइंट या 7W ही देखते हैं, ट्राई करते हैं, परफेक्ट, नाइस, ठीक है, सही है। एंड जो फोन वेट है 900 एंड साथ ही साथ इसका जो लाइन हाइट है वो 0.8 दे लेते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड 0.8 आई थिंक EM है, ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ हमको क्या करना है, इसका एक फॉन्ट साइज डिसाइड करना है। तो हमारे पास बोल्ड ऑलरेडी है जो कि हमने हमारे पेज बन के H1 पे भी यूज़ किया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसा ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा ये परफेक्ट बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसमें इसकी जो विड्थ है उसको हम ऑटो लिख देते हैं, ठीक है, तो जितनी इसको विड्थ लेनी होगी वो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, सही है। अब जो पेज 2 के डायरेक्ट अंदर जो पी टैग है तो उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ देते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम बोलते हैं फोन साइज 16 पिक्सल, लेट्स से 18 पिक्सल ही कर लेते हैं, सही रहेगा, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, फॉन्ट फैमिली जो है इसकी रेगुलर है, रेगुलर, ठीक है, तो ये हमारा रेगुलर भी हो चुका है। पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल आई थिंक इनफ है, नहीं 20 देते हैं, 20 पिक्सल इज इनफ, सही है। ऐसा करते हैं हम पैडिंग ना देके मार्जिन देते हैं, ठीक है, ओके। तो हमने पहले तो बोला लाइन हाइट इसकी जो है, लाइन हाइट 140% कर दो, ठीक है। मार्जिन बॉटम से 30 पिक्सल एंड मार्जिन टॉप से लेट्स से 20 पिक्सल, ठीक है, ये चीज़ हमारी कंफर्म हो गई, अच्छी हो गई, परफेक्ट, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, पेज 2 के डायरेक्ट अंदर जितनी इमेजेस हैं फर्स्ट फुल उनकी जो ब्रेथ है आप 150 पिक्सल और हाइट भी 150 पिक्सल कर दो, तो सबकी हाइट और विड्थ सेम हो चुकी है, देखोगे तो एक साइज़ के आ चुके हैं, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको जेड इंडेक्स भी हम कर देते हैं 999, ठीक है, सही है। तो ये काम भी हमारा हो गया, परफेक्टली काम कर रहे हैं। अब हमको इस पर थोड़ा सा चीज़ें करनी है, तो हम बोल रहे हैं जब पेज 2 के अंदर डेमो 1 है, 1, ठीक है। अब उसको क्या करूँ, एक तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो, ठीक है, जैसी पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, यहीं पर कुछ आप देखते हैं क्या करना है। जो डॉट डेमो बन था हमारा उसको टॉप से 40 पिक्सल करना है, तो 40 पिक्सल हमारा यहाँ पर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट से हमको आई थिंक इसको 0 पिक्सल लिखना है, ठीक है, 0 पिक्सल भी हमने कर दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं। पर मैं ऐसा कहता हूँ 0 पिक्सल ना लेके 10 पिक्सल ले लेते हैं, जिससे थोड़ा सा उसमें दिखेगी हाँ कुछ तो है, राइट। और इसकी हम कर देते हैं ओपेसिटी 0 फिलहाल के लिए, बट मैं चाहता हूँ इसको कॉपी करते हैं, 5 है एक, तो हमारा जो सेकेंड है सेकेंड नंबर का
उसके लिए हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट करेंगे टॉप से 60% कर देंगे, लेट्स से 60%, ठीक है। और हमें राइट चाहिए उसको, ठीक है। तो राइट में आई थिंक जैसे कितना कर सकते हैं हम, 100 पिक्सल, परफेक्ट। तो मैं ऑपेसिटी अभी बंद कर रहा हूँ, ठीक है, वन, ठीक है, परफेक्ट। तो देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, परफेक्ट, ठीक है। एंड अब हम कॉपी करते हैं, जैसे कोड तो एक ही लिखना है तो हम कॉपी करते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो डेमो थ्री है तो उसको हम एब्सोल्यूट करेंगे, एब्सोल्यूट के बाद हमारे पास यहाँ पर इसको वन वन मतलब 110 पिक्सल पे कर लेंगे, और इसको हम लेफ्ट से आई थिंक लेफ्ट से लेट से 100 पिक्सल ही कर लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट से करना है लेकिन, ठीक है, लेफ्ट से 100 पिक्सल, ठीक है, परफेक्ट। और ओपेसिटी इसकी बंद, अभी हम सबको जीरो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थ्री की जगह फोर करेंगे, फोर एब्सोल्यूट होगा हमारा। और बॉटम से हम इसको लेंगे, बॉटम से आई थिंक ये भी बॉटम ही था, सॉरी, हम इसको बॉटम से कर देते हैं, थ्री को बॉटम से, बाकी सारी चीज़ें बॉटम से होंगी, तो इसको भी हम बॉटम करेंगे फोर को, ठीक है। और ये बॉटम से 60% रहेगा, 60 पिक्सल। एंड इसको हम करने वाले हैं राइट से लेस से 160 पिक्सल, ठीक है। तो चीज़ें देखो आप यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ, एक चीज़ यहाँ पर है। अब इसको भी हमको यहाँ पर लेके आना है, तो इसको हम करते हैं ऐसे कॉपी, और इसको हम कर देंगे परफेक्ट। अब हमने बोला कि जो बॉटम से है उसको कर दो 240, एंड राइट से हम लोग को रखना है इसको 40, फिर बस। तो देखो ये चीज़ यहाँ पर आ चुकी है, तो हमारा जो डिज़ाइनिंग पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे जी शॉप की तरफ, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं। वैसे अगर मैंने डिलीट नहीं किया है तो, हाँ मैंने डिलीट कर दिया है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं सर्च करूँगा जी शैप, ठीक है, एंड सी डी एन में हमारे पास जो पहली बार लाएगी उसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमको यहाँ पर इसकी फर्स्ट वाली यू आर लेना है, ये सेकेंड नंबर का आइकन पर क्लिक करना है, नीचे जाना है, एंड जस्ट बॉडी के जस्ट नीचे आपको पेस्ट कर देना है, लास्ट में जाना है। आपको यहाँ पर स्क्रोल टिकर दिखेगा सेकेंड नंबर, सेकेंड लास्ट पे, इसको कॉपी किया एंड इसको हमने पेस्ट किया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है जो कि मेन है, ठीक है, ये कर दिया है। और अब हम यहाँ पर कोड लिखने वाले हैं, मैंने ये ऑलरेडी मैं कोड पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये एक्चुअली हमारा एक प्लगइन है जिसको हम ये बता रहे हैं कि इस जावास्क्रिप्ट में हम स्क्रॉल टिकर को यूज़ कर रहे हैं। तो हमने दोनों दोनों जो सी डी एन थे हमको जिसकी ज़रूरत थी, जी शैप की प्लस स्क्रॉल टिकर की, वो हमने यहाँ पर ले लिया है, और हम अब कोड करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करूँगा, इनको हटा दूँगा, और अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो हम पहले इसको कुछ ठीक करने वाले हैं, जो फाइनेंस लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा एक एनिमेशन देने वाले हैं जिस पे हम काम करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो मेरे पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हम जब जी शैप को यूज़ करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं जी शैप से .2, ठीक है, और यहाँ पर हम ऐसे फंक्शन ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा, तो हम यहाँ पे डबल कोट लिखेंगे, डॉट लिखेंगे heading 1, हम heading 1 को अभी टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कॉमा लाएंगे, पैथेस ओपन करेंगे, तो ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया है, ठीक है, फंक्शन बन रहा है जावास्क्रिप्ट 2 के नाम से। और यहाँ पर हम एक ईज, यहाँ पर एक हम एक एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो एनिमेशन हमारे पास है power3.out, ठीक है। जैसे मैंने किया अभी कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और मैं इसकी ओपेसिटी को ओपेसिटी को मैं कर देता हूँ 1, कॉमा करता हूँ, ड्यूरेशन कर देता हूँ इसकी, मैं ड्यूरेशन आई थिंक ड्यूरेशन इसकी हम कर रहे हैं 8 सेकेंड की, ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जाके जो हमारा हेडिंग वन जो हमारी ओपेसिटी है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ अभी फिलहाल, एक बार हम रीलोड करते हैं। देखो ये एनिमेशन चला, देखो कितने प्यास है, ठीक है, ठीक है, एकदम से चीज़ें हो रही हैं। अभी ये भी हो गए, हम इसको करते हैं, ठीक है। सो कुछ नहीं, सेम कॉपी करना है, पेस्ट करना है, हेडिंग 2 लेना है, ठीक है,
ओवरहेड इन टू के साथ हम यहाँ पर ओपेसिटी जो है सेम रखना है, बट लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ और कर देंगे, डिले ऐड कर देंगे। डिले कितने सेकंड का चाहिए हमें? 1 सेकंड का चाहिए, दैट्स इट। तो देखो अब यहाँ पर ये यह आना स्टार्ट हो गया, एक बार मैं रीलोड करके दिखाता हूँ आपको, देखो परफेक्ट। सो 1 सेकंड बाद हमारा ये टारगेट हो गया, परफेक्ट। अब हमको इनके लिए कोड लिखना है जो हमारी इमेजेस हैं, ठीक है। सो इमेजेस के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा इसको ऊपर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे हमें कोड लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक लिखेंगे, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, जी शैप डॉट टू, एंड हम यहाँ पर हमारा फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा डॉट डेमो वन है, ठीक है, उसके लिए कुछ चीज़ें लिखनी है। तो हम बोल रहे हैं उसकी जो ओपेसिटी है उसको तो आप 1 कर दो, ठीक है। ड्यूरेशन क्या रखनी है, ड्यूरेशन यहाँ पर हम देंगे लेट्स से 0.5, ठीक है, 0.5। अब यहाँ पर हमारा स्क्रॉल टिकर स्टार्ट होगा, तो हम बोल रहे हैं स्क्रॉल, आई थिंक स्क्रॉल टिकर, स्क्रॉल ट्रिगर, याद रखिए स्क्रॉल का एस कैपिटल नहीं होगा, बहुत स्मॉल ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसा करेंगे, और यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे इस तरीके से, पैरेंथेसिस ओपन करके। अब यहाँ पर जो पहली चीज़ आएगी वो आएगी ट्रिगर, ठीक है, ट्रिगर, यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर वो चीज़ लिखेंगे जिसको हम ट्रिगर कर रहे हैं, किसके स्क्रॉल पे। तो हम बोल रहे हैं पेज 1 के स्क्रॉल पे इसको आप ऑन कर दो। सेकेंड चीज़ आएगी स्टार्ट, कहाँ से आपका जो एनिमेशन है वो स्टार्ट करना है, तो इसको हमको ब्रैकेट्स में देना है। तो हम बोल रहे हैं टॉप जब 100% पर हो तब इसको आप स्टार्ट कर दो, एंड इसका जो एंड होगा वो होगा कहाँ पर, वो हमको हम नीचे लिखना है। तो हम बोल रहे हैं बॉटम से, उसके बॉटम से, बॉटम के टॉप से, ठीक है, सही है। साथ में हम स्क्रब लिख रहे हैं, स्क्रब, स्क्रब क्या होता है, स्क्रब ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी लिखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ट्रू और फॉल्स लिखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी फिलहाल। और मैं यहाँ पर एक स्टैगर ले रहा हूँ, स्टैगर, STAGR, ठीक है, स्टैगर, और हम इसका पॉइंट दे रहे हैं 0.1, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ देखो क्या हो रहा है, मैंने इसको, अब एनिमेशन हुआ। अब देखोगे तो जो फर्स्ट डेमो था यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। ओके, तो हमने ध्यान देंगे हम यहाँ से जो हमारे ओपेसिटी सबकी बंद थी हम इनको कर देते हैं 0, 0, 0, इसलिए हम लोगों ने इनको ओपेसिटी इनकी बंद रखी थी, हम देखना चाहते थे। अब देखो अब मैं एक बार इसको रीलोड करता हूँ, तो देखो यहाँ पर चीज़ें गायब हो गई, राइट। जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा देखोगे, जैसे स्क्रॉल करूँगा चीज़ आ जाएगी भाई, ये देखो। अगर मैं इसको स्क्रब यूज़ नहीं करूँगा ना तो ये रिवर्स में नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम ही चलेगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये स्क्रब यूज़ किया। और स्टैगर हमारी स्पीड को मेंटेनेंस कर रहा है कि भाई स्पीड कितनी होना चाहिए, तो मैंने बहुत ही कम स्पीड दी है। अगर देखो मैं इस ये हटाता हूँ, स्क्रब हटाता हूँ ना, तो ये स्क्रॉल में नहीं चलेगा, वो 1 टाइम हो जाएगा, उसके बाद अब वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं स्क्रब यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो ही आएगा, स्क्रॉल अप जाऊँगा तो हट जाएगा। ये काम करना, ये स्क्रब का काम होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो चीज़ें रिवर्स में भी काम करता है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है हमें। अब एक बन गया, लॉजिक हमने बिल्ड कर लिया, अब हमें दूसरी चीज़ें करनी है। तो हमें क्या करना है, हम जब देखेंगे कि जो डेमो 2 है वो भी हमारा क्या पेज से स्टार्ट होगा, पेज 1 से स्टार्ट होगा, ओपेसिटी इसकी 1 करनी है, ड्यूरेशन हमारा 0.5 है, एंड हम अब क्या करेंगे जो इसका स्टार्ट है वो 70% से कर देते हैं, और सेम टू स्टैगर, ठीक है। अब देखते हैं करके, देखो ये आ रहा है जा रहा है, ठीक है, देखो परफेक्ट सही है। तो ये भी हमारा हो गया है, सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया। अब हमको 3 के लिए और लिखना है, तो हम यूँ करेंगे कॉपी, अब जाएंगे थर्ड पे जाएंगे, थर्ड, ठीक है। जो थर्ड है हमारा वो हमारा पेज 2 के चीज़ों से स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ पर जो है 2 लिखेंगे, पेज के टॉप 2 से 15% से स्टार्ट करो, एंड इसके टॉप के बॉटम से स्टार्ट करो। तो ये दोनों चीज़ों को इधर उधर लिख दो, बस क्या करो, बस इसको, ठीक है, ओके, बॉटम से स्टार्ट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है।
और हमारा ये हो गया ट्रू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम चीज़ें दूसरे लोगों को भी कर लेते हैं, अब हमारा जो फोर है वो भी सेम ऑपोजिट इसकी बंद कर दी, ड्यूरेशन 0.5 रहेगी एंड हमारा जो पेज 2 से स्टार्ट होगा और ये होगा 20% से स्टार्ट, ठीक है, टॉप बॉटम से जाके खत्म हो जाएगा और स्टैगर टू, सॉरी स्क्रैप टू होगा, स्टैगर 0.1 रहेगा। सेम चीज़ हम हमारे 5 के लिए भी करेंगे, जो हमारा डेमो 5 है उसके लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 एंड ओपेसिटी 1, ड्यूरेशन इसकी 0.5, स्क्रॉल टिगर रहेगा, टिगर हमारा पेज नंबर 2 रहेगा एंड अब हम इसको क्या करेंगे 25% से करेंगे टॉप के, और हमारा जो ये रहेगा टॉप के बॉटम से एंड जाएगा स्क्रिप्ट टू, 0.1 हमारी स्पीड रहेगी। अब हम करते हैं ट्राई, तो एक बार मैं इसको रीलोड करता हूँ, देखो हमारा ये एनिमेशन चल के बाकायदा चल रहा है, हमारा हेडर देखो हमारा हेडर स्टिकी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, और अब देखो यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले देखो ये आ रहा है, सेकेंड में यहाँ पर आएगा ये देखो, और ये देखो ये स्क्रोल पे चीज़ें गायब भी हो रही हैं, बहुत ही परफेक्ट काम किया हमने एंड ये हमारा जो लैंडिंग पेज का सेकंड सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। हम इस वीडियो पे यहीं तक बनाने वाले थे, नेक्स्ट वीडियो अगर आपको इसके आगे की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए एंड इस वेबसाइट को पूरा कंप्लीट करने वाले, लेकिन मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, टास्क ये है कि इसका जो नीचे वाला सेक्शन है ये पूरी वेबसाइट आप बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा तो हम तो बनाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी ट्राई करो, टास्क आपको दिया हुआ है एंड अच्छा लगेगा मुझे अगर आप बना के टैग करोगे कि भैया मैंने ये बनाया है। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इस वीडियो को पूरा बनाने वाले हैं इस वेबसाइट को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।